Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel, Minza Sohail. अभी मैं जा रही हूँ लॉर्ड अंकल के पास उनको चाय देने, क्योंकि ना वो बैठे हुए होते हैं अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनको चाय देने जा रही हूँ. और अभी सो के उठी हूँ तो मेरे होंठ वगैरह बहुत वेर्ड हो रहे हैं और बाल भी काफ़ी ज़्यादा वेर्ड हो रहे हैं, सो इग्नोर. तो अभी चलते हैं गार्ड अंकल के पास और मैं आप लोग को दिखाती हूँ नज़ारा बाहर का. नहीं चल जी बेबी जी, जल्दी दे यार, टाइम नहीं है, टाइम निश्ता वल्ला शिस्ता. कुछ भी चाय इस रेडी, हम देने जाते हैं चाय. दरवाजा खोल दो, आप लोग को दिखा दूँ बहादुर अंकल कहाँ होंगे हमारे. ओ वो रे वो बैठे हुए बहादुर अंकल, वो आ रहे. और ये सारी यहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं. अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? नहीं कर, ऐसी बात नहीं. बहुत भिजवा देंगे ना. चलो सही है, तो यही सब सीन है ब्रो यहाँ पे. शुक्र अल्लाह का. मुर्गी चोर नहीं करना है ए बच्चा, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा तो मेरी अम्मा पानी डालनी है पौधों में. गुलाब दिखाओ जाके, आप मुझे गीला कर देंगी. ये काम भी हमारे, जल्दी जल्दी. गुलाब देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से, मैंने पूरा मुझे गीला कर दिया है उसकी वजह से. अभी मैं चेक करने आई हूँ यहाँ पे. क्या चेक करने आई थी? हाँ, क्या बोल पपीता पीला हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? डर भी तो लगता है, गिरगिट होते हैं यहाँ पे इसलिए. क्या कहाँ पक गया, कहाँ पक गए, कहाँ से पक गया? ओ हाँ, एक पक गया. बड़ी पीला तो नहीं हुआ, बड़ी पीला तो नहीं हुआ पर नरम हो रहा है. हाँ ये नरम हो रहा है, पीला तो नहीं हुआ. कौन सा नरम हो रहा है? ये वाला निकाल दो, खराब ना हो जाए. ये नरम हो रहा है मतलब पीला नहीं हुआ. हाँ वो हो गया, कपड़ा उतारना पड़ेगा. ये इसमें नरम, तो ये नरम क्यों नहीं हुआ? हो गया, पक गया है ना. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कपड़ा क्यों उतारना पड़ेगा यार? अंदर पक जाएंगे, पता थोड़ी चलेगा. पकड़ेगा तो चेक तो करूं. नहीं करूं दबाऊं नहीं. और है क्या उस तरफ वाले पक रहे अभी तो नहीं हुए, ये कच्चे हैं, बाकी वो चेक कर लो, क्या पता हो ना गया हूं. गुलाब माशाल्लाह वो ज्यादा अच्छे हैं. ये देखो मेरी दोस्त है ना, बोलती है सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं. माशाल्लाह से माशाल्लाह, यहाँ पे कहीं ना गिरगिट दिख ही जाता है. अभी मैं अपनी इतनी आंखें चला नहीं रही हूँ और ना दिख ही जाता है गिरगिट. हाँ बाद अंकल को मामा कह रही है कि ये बहादुर अंकल को दिया हमारे गार्ड को देने. हाँ वो रहे. अच्छा वो आ भी गए यहाँ पे. क्या सलाम अलैकुम, ये हमारे यहाँ एक पपीता हुआ है. अच्छा ये आपके लिए. अच्छा अच्छा मेरा ठीक. अभी दे, अभी खाएंगे या घर जाके खाएंगे? अभी खाएंगे, बस मैं कर दूंगा. कैसे खाएंगे?
है आपके पास छुरी है? कब आ गया? इतना छोटा सा वो मतलब हैरत हो रही है कि पीला हो गया माशाल्लाह से ना, काफी बड़े बड़ी भी हैं। मामा वो इतना सा पीला कैसे हो गया? अल्लाह की शान है। ये चेक करें इनमें से क्या पता हो गया हो गए काफी हो गए माशाल्लाह से। वो कह रहा था सुई पर भी ये निकाल लें। हम माशाल्लाह स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगा है। ताकत खत्म हो गई बीमारी में। ओए ओए ताकत ही नहीं लग रही। वाकई में यार ताकत खत्म हो गई तो लावे लगा दे वापस के जाएंगे हम। वो बच्चे है ना बच्चे लगा देते ना। मैं करूं ये क्यों नहीं लग रही मुझसे? अल्लाह मोबाइल रख दे उसको पकड़ा दे या तो खराब हुआ है। हटो एक दफा और स्लिप हो रहा है ये। चों को बुलाया केक लगा दो। लगी नहीं रही है कब से ट्राई कर रही हूं। नहीं लगी ना बेटा बेइज्जती हो जाएगी। लो नाच रहा है आगे टेढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी सेल्फी खराब है। थोड़ी बहुत खराब है बट चल जाती है। देखो देखो बेटा तुम ट्राई करो। शादी में से आए मजाक कर रहे हैं हम। जुम्मे की तैयारी हो गई ना अल्लाह। स्लिप हो रही है मज़ा। बस छोड़ केक खराब है। हाँ ओके थैंक्स बेटा थैंक यू। पैदल जा रही हैं ये लोग बाजरा लेने। टू थाउजेंड ईयर्स लेटर गाड़ी फिर खराब नहीं हुई स्टार्ट। खाली पड़ा है। खाली पड़ी है।
पापा को बताया खाली पड़ी है। स्टार्ट कर रही है। खालाएं आ रही थी और वो वहाँ से पैदल चलती आ रही हैं क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, तो पैदल आ रही हैं बेचारी। खाला लोग आ गए हैं, सब बैठे हुए हैं इसी वजह से क्योंकि ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और सामान लेने जाना था, तो बस ये सीन हुआ है कि मतलब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिशें हो रही हैं कि मतलब स्टार्ट हो जाए, सो अब लेट्स सी क्या होता है। 2000 years later. आज है दूसरा दिन सुबह का और नाश्ता आ गया है। नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। नाश्ते में हमारे पास हलवा पूरी। क्यों? नाश्ता वगैरह हो गया था, अभी हम लोग बाहर आए क्योंकि माली अंकल आए हैं, वो कटिंग कर रहे हैं और बाकी बस वेट कर रहे हैं। हमने अभी पपीते तोड़े माशाल्लाह 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 से। पूरे जड़ से तोड़ दी। हम लेने आए हैं खाद और यहाँ पे ये पौधे रखे हैं। बड़े प्यारे लग रहे थे दूर से। मैंने ना कपड़े चेंज नहीं करे क्योंकि यार हमारे घर पे ही बारबेक्यू हो रहा है, तो ना काम इतने हैं कि मतलब ऊपर जाना नीचे होना, तो बस ये सीन चल रहा है। और बाकी मेरी खाला आ गई है और भी खाला है बट वो आती नहीं है सामने, कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए। कज़न मेहंदी लगा रही है, इसके लग रही है मेहंदी माशाल्लाह से। अभी टिक्के रेडी हो रहे हैं, लाइट गई हुई है। दावत खत्म होने वाली है और अभी तक मेहंदी चल रही है, मेहंदी सेशन। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि ना क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू आता था, पूरा टाइम म्यूजिक बजता रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे दो सिंगर्स आए हुए। सच कह रहा तेरी कसम ते अब न लेंगे दम, कितना चाहने लगे।
लगे हम। शो खत्म हो गया क्योंकि ये बंद हो गया। अब दावत कैंसिल मतलब खत्म हो रही है और सब घर जा रहे हैं। 2000 years later finally सब अभी अभी गए हैं और घर में इतना सन्नाटा हो गया, इतना वियर्ड लग रहा है कि मतलब सब होते हैं ना, मतलब रौनक होती है एंड देन फिर सब चले गए। काफ़ी मतलब ना फील हो रहा है कि यार बोरियत टाइप। खैर भारत पर अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से अच्छे से हो गया, मज़ा आया और सब आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी महीनों बाद सब गेट टुगेदर हुए थे और सही रहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ साथ व्लॉग को एंड करते हैं। लाइक और शेयर लाजमी करिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा मुझे और मी फैमिली को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।